Hello all, welcome to my channel, Useful Life Science. So this will be the continued lecture of chapter number 1, that is chemical reactions and equations, right? Yesterday we have studied how to balance the chemical reaction. We have also seen what is the characteristics of chemical equations. And yes, we have also seen what is combination reaction, right? Today we will learn about different type of states. कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, उसके सिंबल क्या है. सो डिफरेंट स्टेट्स यूज फॉर केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट स्टेट्स यूज फॉर केमिकल रिएक्शंस. देखो तीन चार स्टेट एक्चुअली यूज होते हैं. फर्स्ट है सॉलिड, और यहां पे उसका सिंबल लिखूंगा, ठीक है. जहां पे भी सॉलिड होगा वहां पे एस दिया होगा. सेकंड होगा लिक्विड, जहां पे भी लिक्विड होगा वहां पे एल दिया होगा, ठीक है. थर्ड है गैस, सब पहचानते हो ये तीनों स्टेट को, ठीक है. फोर्थ है एक्वियस. एक्वियस क्या है, एक्वियस का एक क्यू दिया होगा, और एक्वियस का मीनिंग ये है कि इसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होने वाला है. तो ये सॉल्वेंट कहाँ से आ गया, राइट, ये क्वेश्चन होता है. तो इसके लिए मैं फिर से आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में लेके जाना चाहूंगा. तो आपने पढ़ा होगा कि एक सॉल्यूशन है वो दो चीज से बनता है. सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. द थिंग व्हिच इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट, राइट. और किसमें डिसॉल्व करना चाहते हैं वो होता है सॉल्वेंट, राइट. तो पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऐसा सब हमने पढ़ा था, राइट. जो हमें डिसॉल्व करना है, जैसे कि मुझे शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो शुगर होगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट होगा पानी, ठीक है. तो वैसे ही जो भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी हो, वो वाला सॉल्यूशन के लिए हम एक्वियस यूज करने वाले हैं. कहाँ कहाँ पे होगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है. तो आज हम वही सीखेंगे, और कैसे हमें स्टेटमेंट से पूरा एक केमिकल इक्वेशन बनाना है और उसको बैलेंस करना है, ये दोनों चीज के बारे में सीखेंगे. एक नया रिएक्शन देखेंगे, जो आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पहचानते हो, उसका रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. बुक में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिया है 1.12 वाला, ठीक है. उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो आपको सिखा रहा हूं, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ठीक है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है प्लांट, राइट, एक्सटर्नली हम जब पानी देते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट में क्या होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल. याद होगा ये सब चीजें पढ़ी थी अपने लोअर स्टैंडर्ड में, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है भाई. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट. Sunlight is the light which is provided by sun, right, which is essential for the photosynthesis process. ठीक है, photo और synthesis दो separate word है. Photo मतलब light, synthesis मतलब separate करो. तो light से carbon dioxide और पानी से एक glucose के साथ और सारे components भी separate होते हैं, ठीक है. मैंने क्या बोला था, product side आपको देखना है, highest number कौन सा है, hydrogen का है. Carbon यहाँ पे एक है, यहाँ पे छह है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, कार्बन को बैलेंस करने की ट्राई करूंगा. ये सिक्स है वो मैं यहाँ पे लेके आया, ये सिक्स था वो मैं यहाँ पे लेके आया, देखा आपने. तो क्या हुआ, सिक्स टू जा 12+1 13 ऑक्सीजन, ठीक है भाई. अभी ऑक्सीजन को नहीं देखते हैं, उससे भी बड़ा नंबर है हाइड्रोजन, कितने हैं 12 नंबर. अभी आप ये H2O को थोड़ा भूल जाओ, ठीक है. फिर ये 12 यहाँ पे रख दिया, क्या बना, 12 2 जा क्या बनता है 24. ये सेकंड स्टेप हुआ, याद रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता जाता हूँ, तो आपको दिक्कत ना हो. फर्स्ट मैंने क्या किया, ये सिक्स को यहाँ रखा, सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, 12 को यहाँ रखा. अभी देखो आप, कार्बन सिक्स है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं किलो, 6 2 12 12 प्लस, ये 12 है, ये एच और ओ दोनों को अप्लीकेबल है. तो 12 प्लस 12 ऑक्सीजन बन गया 24, याद रखना, और हाइड्रोजन है 24. ये रिएक्टेंट पोर्शन का टेबल बन गया, ठीक है. यहाँ पे कार्बन तो 6 है, ओके भाई, हाइड्रोजन 12+2 14 ही है, तो हमें वो क्या करना है 24 करना है. 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 2 के साथ में क्या, देखो 12 तो है इधर, मुझे 12 लाना है तो आगे क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 6 6 2 12 हो गया, ओके. सो 12 प्लस 12 24, हाइड्रोजन इज बैलेंस. ऑक्सीजन को देखते हैं, देखो
सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस सिक्स, एट प्लस सिक्स इज 14, पर आपको ऑक्सीजन कितने चाहिए 24, तो कितने कम पड़ रहे हैं आपके, देखो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, आपके 10 कम पड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 लगा दूंगा, हो गया देखो तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, नहीं हुआ, ओके। फिर क्या करूंगा, 6 लगाऊंगा, आपको एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाली मेथड देखनी पड़ेगी। 6 टू जार देखो 6 प्लस 12 कितना हुआ 18, 18 प्लस 6 कितना हुआ 24, राइट। तो आपको नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, 1 को रखने का कोई मतलब नहीं है, 2 रखोगे तो 4 इंक्रीज होगा, राइट। तो 6 टू जार ये 12 हो गया, 12 प्लस 6 कितना हुआ 18, 18 प्लस 6 24, देखो गिनो, कार्बन यहाँ पे कितना हुआ 6, हाइड्रोजन कितना हुआ 12 प्लस 12 24, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हुआ 6 प्लस 12 प्लस 6, आंसर विल बी 24। नेक्स्ट द फॉलोइंग, देखो ऑक्सीजन कितना है 24, हाइड्रोजन कितना है 24, कार्बन सेम, और मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ आई विल राइट द स्टेट्स, एक भी स्टेट में मिलेगा क्योंकि एनवायरमेंट से मिल रहा है। पानी हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एल, राइट। ग्लूकोज एक्वियस फॉर्म में मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, समझ में आया, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों आपको, ऑक्सीजन भी फिर से एक्वियस में मिलेगा और पानी है तो फिर से लिक्विड में मिलेगा। यू हैव टू रिमेम्बर द स्टेट, अगर समझ में नहीं आता है तो आपको ये स्टेट तो याद ही रखना पड़ेगा, राइट। ये CO2 और O2 दोनों एक्वियस फॉर्म में क्यों है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर के साथ ही कंबाइन होता है, इसलिए वो एक्वियस फॉर्म में होंगे, वो पानी के साथ ही कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो CO2 यहाँ मिला और एक्वियस हमें वो वापस देता है, तो वो भी एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो आई थिंक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन समझ में आ गया होगा। और हाँ, थर्ड स्टेप क्या किया वो समझ में आ गया, 6 यहाँ पे लगाया है, ये हमारा थर्ड स्टेप था, यहाँ पे लिखा हूँ मैं थर्ड स्टेप। ऐसा हो तो ऐसे आप टेबल बना के भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में दिया है, पर मुझे लंबी मेथड लगती है, राइट। इससे अच्छा है कि आप लॉजिकली कैलकुलेट कर लो, जो ज़्यादा नंबर है उसको प्लेस करके कर दीजिए, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, द इक्वेशन गिवन इज सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो पहले तो आपको इसके सिंबल्स आने चाहिए, राइट, इसलिए मैंने बोला था केमिस्ट्री फंडामेंटल्स वाला वीडियो अच्छे से देख लेना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर का सिंबल होता है H2O, याद है ना, राइट। गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन H2। अभी देखो इसके स्टेट मोस्टली आपको स्टेट मालूम पड़ जाएंगे, यानी क्या है, मेटल है, मेटल हमेशा कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। H2O क्या है, लिक्विड, तो L लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। जब आपका सॉल्वेंट वाटर हो तो आपका प्रोडक्ट साइड जो मिलता है उसको मैं कौन से स्टेट में लिख सकता हूँ, एक्वियस, तो मैंने लिख दिया एक्वियस, H2 मतलब गैस, मैंने लिख दिया गैस, सिंपल हो गया, समझ में आ रहा है, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला था केमिस्ट्री फंडामेंटल वाला वीडियो देख लोगे तो हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, बैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं, चलो देखते हैं, सोडियम का एक एटम, सोडियम का एक एटम, ठीक है भाई। हाइड्रोजन का देखो तुम, यहाँ पे 2 प्लस 1 3, यहाँ पे तो 2 है, बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, क्या करना, अभी देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ठीक है, 1 तो है ही, तो मैंने 2 लगाया, क्या फर्क हुआ, हाइड्रोजन तो 4 बन गया, हाइड्रोजन तो क्या हो गया, 4 हो गया, पर ऑक्सीजन 2 हुआ, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, क्या करूंगा 2, याद रखना ये 2 Na को भी एप्लीकेबल होता है, ऑक्सीजन को भी एप्लीकेबल होता है, एज़ वेल एज़ हाइड्रोजन को भी एप्लीकेबल होता है। तो अब देखो 2 प्लस 2 कितना हुआ, हाइड्रोजन 4, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ हुआ, Na को भी 2 मिला, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, यस इट इज कम्प्लीटली बैलेंस, यू कैन सी। सोडियम के 2 एटम है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट में भी 2 एटम है, 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड,
चार हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड, दो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, दो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड। आई थिंक दिस इक्वेशन इज टोटली क्लियर, राइट? नाउ वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चन इन विच अ बिग स्टेटमेंट इज गिवन अलोंग विद देयर स्टेट। इसमें स्टेट भी दिया, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से स्टेट में है, ठीक है? वैसे वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और टाइप, मतलब उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ गिवन पैराग्राफ विद अ गिवन स्टेट, ठीक है? सी बिग क्वेश्चन इज गिवन, बड़ा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशंस, देखो सॉल्यूशंस मतलब दो दो है, इसलिए एस लगाया है ग्रामर। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों सॉल्यूशन में है, मतलब सॉल्यूशन है तो कौन सा स्टेट होगा, एक्वियस स्टेट। ये दोनों एक्वियस स्टेट में है, क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ मिले हुए हैं, इन वाटर, इन वाटर देख रहे हो, तो इन वाटर है, उसका मतलब समझ जाना है, ठीक है? कि ये इसका स्टेट होने वाला है एक्वियस, रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल मतलब पानी में मिलने वाला नहीं है, ठीक है? इट गिव्स यू इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इनसोल्यूबल जो है उसको हम पीपीटी लिखेंगे, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, परसिपिटेट बोलते हैं, परसिपिटेट, ठीक है ना? वो लिखेंगे तो भी चलेगा, चलो कैसे करना है पहले वो देखते हैं। बेरियम का सिंबल होता है Ba, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, याद रखना BaCl, सबसे पहले सिंबल्स लिख लो, दूसरा स्टेप उसकी वैलेंसी लिखो, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस मेथड 1 यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, BaCl 2 बन गया, ठीक है? क्रिस क्रॉस हो गया प्लस, हाँ, और उसका स्टेट भी लिख लो, एक्वियस। क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट, सोडियम Na सल्फेट SO4, सेकंड स्टेप राइट इट्स वैलेंसी 1 and 2, 2 गोज ओवर हियर, 1 गोज ओवर हियर, Na2SO4, ये यहाँ गया और ये यहाँ, ओके भाई हो गया। इसका स्टेट भी लिख दो, एक्वियस। अब क्या होगा, देखो बेरियम सल्फेट देता है, बेरियम सल्फेट BaSO4, वैलेंसी नहीं लिखूंगा, दोनों की वैलेंसी सेम है, ठीक है? पीपीटी लिखूंगा, परसिपिटेट, और परसिपिटेट हमेशा सॉलिड में होता है, तो पीपीटी नहीं लिखना है, तो एस लिखना है, इनसॉल्यूबल है मतलब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ा पावर कट हो गया था, इसलिए फिर से इक्वेशन पहचानते हैं। BaCl2 कैसे आया मालूम है, Na2SO4 ऑलरेडी डिस्कस, ये सॉलिड स्टेट में क्यों था, परसिपिटेट था इसलिए सॉलिड स्टेट में। फिर NaCl के नीचे मैंने एक क्यू लिखा है, पहले तो NaCl क्यों, Na और Cl ही लिखा है, Na2Cl2 नहीं लिखा है, Na और Cl दोनों की वैलेंसी है 1, राइट? एक क्यू इसलिए लिखा है क्योंकि दिया है एक्वियस सॉल्यूशन, NaCl का फॉर्म हो रहा है। ओके भाई ये तो समझ में आ गया। अब क्या देखना है, सब कुछ बैलेंस है, Ba बैलेंस है, ठीक है? सल्फेट SO4 बैलेंस है, ठीक है? मैं क्या देख रहा हूँ, क्लोरीन के नीचे 2 है और Na के नीचे भी 2 है, तो ये दोनों कॉमन 2 का मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, एक 2 कॉमन फॉर Na एज वेल एज Cl, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट साइड मैंने 2 रख दिया। अब देखो तो बैलेंस है, यस इट इज बैलेंस, ठीक है? समझ में आ गया, बहुत इजी था। मेन चीज क्या थी, स्टेट्स लिखने, दूसरी चीज क्या थी, वैलेंसी याद रखना। समझ में आ रहा है, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, केमिस्ट्री फंडामेंटल्स ठीक करके आइए, ठीक है? ओके, नाउ वी विल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने व्हाइट वॉशिंग कभी देखा है, घर पे जब चूना लगता है, राइट? तो आप बाजार में जब लेने जाते हो तो वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, राइट? तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। ओके, इसका नाम है क्विक लाइम, याद रखना क्विक लाइम। दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल नेम है CaO। ओके, फिर आगे जाते हैं, प्लस मालूम है ना, उसको जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, ठीक है भाई? H2O होता है कौन से स्टेट में, लिक्विड में, वाटर। गिव्स यू क्या देता है आपको, CaOH2, ये क्यों CaOH2 लिखा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, 2 यहाँ जाएगा 1 यहाँ जाएगा, ठीक है?
हो गया, समझ में आ गया, इसलिए COF ट्वाइस लिखा। क्विक लाइम का बन जाएगा स्लेक्ड लाइम, ठीक है? एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, राइट? ये कैसे फॉर्म हुआ समझ में आ गया? ओके, बैलेंस है देखो तो, कैल्सियम कैल्सियम बैलेंस है, H2 H2, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू, बैलेंस तो है। ओके ठीक है, तो ये रिएक्शन करने से हमें मालूम क्या पड़ा कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू सी, ऐसा लग रहा है। ऐसा कौन सा रिएक्शन था जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ में आ गया? एक प्रोडक्ट बनाया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपके टेक्स्ट बुक का 1.13 वन रिएक्शन है, 1.13, ठीक है? और जब ये रिएक्शन होगा तब बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होने वाली है। हाँ, हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? अब हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, राइट? अब और एक हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है? अभी देखो, कोल का नाम सुना है? कोल, कोलसा, राइट? उसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है जिससे हम कोल के टाइप्स भी निकालते हैं? कार्बन, यस, सही पहचान। प्लस ऑक्सीजन, कोल कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है? गैस। क्या देगा आपको? सिंपल, CO2। उसके साथ आपको हीट एनर्जी देगा, उसके साथ आपको हीट एनर्जी रिलीज करेगा। सो द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी, याद रखना, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। पर प्रोडक्ट साइड हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसका ही तो यूटिलाइज करते हैं हम टाइल्स बनाने में, और कई पे कई जगह यूज करते हैं, स्टीम इंजन में भी पहले कोल यूज होता था, समझ में आ रहा है, राइट? ओके, फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो तो मैंने आपको समझा दिया है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ठीक है? नाउ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस वो भी एक रिएक्शन है, ठीक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया, प्रोडक्ट साइड में जो हीट एनर्जी रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं ये, ठीक है? अभी आगे जाते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब CH4। नेचुरल गैस का मेन कंटेंट क्या होता है? 8th और 9th स्टैंडर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, CH4। CH4 का नाम क्या है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन, रिपीट कर रहा हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, याद आ रहा है? ओके, कोई भी चीज बर्न होती है तो किसके प्रेजेंस में बर्न होगी? ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होने वाली है, याद रखना। मीथेन है वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होगा, ठीक है? कोल था वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा था, क्यों? कारण क्या है? कंबशन के लिए कौन सा गैस एसेंशियल है? ऑक्सीजन, दैट्स इट। ओके, मीथेन के साथ ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CO2 और H2O दोनों बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल गैस भी पोल्यूशन तो करता है पर कम अमाउंट में करता है, फॉसिल फ्यूल जितना नहीं करता है, समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ। अब दूसरी स्टेप क्या है? बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, यस, यू आर करेक्ट। देखो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2+1 3 है, ठीक है? हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है। क्या करूंगा? फर्स्ट स्टेप विल बी, आई विल पुट 2 टू द H2O। 2 कहाँ लगाऊंगा? H2O के आगे 2 लगा दिया। अब देखो तो कितने हुए हाइड्रोजन, 2 2 4, हाइड्रोजन इज बैलेंस, पर उसके साथ वाला पार्टनर है वो भी बढ़ गया, कौन सा? ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 2 ही है, क्या करें? आगे 2 लगा दो, हो गया। देखो तो, यस, कार्बन एक, ऑक्सीजन 2 2 4 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं? ओके, मीथेन कौन से स्टेट में मिलता है आपको? गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और H2O जो है वो भी गैस के फॉर्म में ही बाहर निकलने वाला है विथ स्मोक। ये समझ में आ गया, ये था आपका इक्वेशन नंबर 1.17, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक का 1.17
इक्वेशन है और इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे बैलेंस हुआ। ये फर्स्ट स्टेप ये था और सेकंड स्टेप क्या था, ये वाला था, ये था हमारा सेकंड स्टेप। मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं, ये डिटेल में आप समझ लेना, फिर कहीं से भी नहीं मिलेगा ये सोर्स। हाँ ओके, पहले क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लगाया। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन नहीं करना है, ऐसे एरो करके वन और टू आपको समझाने के लिए। ठीक है, नाउ वी विल सी दैट हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, राइट, व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आई एम पी लिखा है। डू यू नो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसका मतलब क्या है कि भाई रेस्पिरेशन है वो भी एनर्जी रिलीज करता है, आपको मालूम है, तक मालूम नहीं होगा, आज मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। ठीक है, वो फूड जो हम खाते हैं उसका मेन क्या प्रोसेस होता है जिससे उसमें से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट होते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या करता है एक्चुअली, इट कन्वर्ट्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, वो हमारे फूड को एक सिंपल सब्सटेंस में, बड़ा सा हम खाना खाते हैं उसमें से एक एक न्यूट्रिशन निकलता है। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने कि भाई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें मेन चीज क्या होती है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमें क्या मालूम पड़ा कि फूड जो है वो मेनली कौन से न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होने वाला है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कहां से आया भाई, हमने रेस्पायर किया ना, इनहेलेशन किया ना, वहां से आया, हमने जो इनहेल किया ना वहां से ऑक्सीजन आया। ठीक है, अभी देखो बॉडी में क्या प्रोसेस हुई, आपने खाना खाया कुछ भी, राइट, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, किसकी राह देख रहा है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की राह देखी, क्या कन्वर्ट हुआ, CO2, मालूम है ना, CO2 भी हमारा बॉडी है वो प्रोड्यूस करता है, पर वो कौन से प्रोसेस से बाहर निकल जाता है, एक्सहेलेशन प्रोसेस। ओके, क्या प्रोड्यूस हुआ दूसरा, वाटर, और उसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, देखा, और ये एनर्जी कहां पे स्टोर होती है मालूम है, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, राइट, तो रेस्पिरेशन है वो क्यों डाइजेशन के साथ लिंक्ड है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऑक्सीजन कहां से आया, रेस्पिरेशन किया तब हमें ऑक्सीजन मिला, और ये डाइजेशन ने हमें ग्लूकोज दिया, यहाँ पे आके दोनों ने कंबाइन हुए, दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, CO2 और H2O, और साथ में रिलीज क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो गया। ओके, बैलेंस करना बाकी है, आपके लिए बाकी रखा है, कार्बन 6 है यहाँ पे, कार्बन 6 लगाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, 12 है, क्या करना पड़ेगा, इधर 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, स्टेप नहीं लिखूंगा, हाँ जगह नहीं है, समझ जाओ, 6 2 12 12 + 6 18, ऑक्सीजन कितना है, 6 + 2 12, तो क्या करूंगा, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पे 18 मिल जाए, 6 मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा, देखो तुम तो 6 + 12 कितना हुआ, 18। ठीक है, 6 2 12 12 + 6 18 कंप्लीट। क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप थे हमारे। ठीक है, क्या किया था, दोनों जगह 6 लगाए, क्यों लगाए, कार्बन को तो 6 बनाना ही था, हाइड्रोजन 2 था उसको 12 बनाने के लिए मैंने 6 लगाया, यहां तक क्लियर, ओके। फिर ऑक्सीजन को भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास जाएगा, तो 6 2 12 12 + 6 18 हुआ, वो 18 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आगे 6 लगाया, तो ये हुआ मेरा सेकंड स्टेप। चलो आपके लिए स्टेप भी लिखते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आपका चैप्टर नंबर 6 में जब डाइजेशन प्रोसेस आएगी तब रिपीट होने वाला है। ये क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी 3 रिएक्शन पूछा जा सकता है, ये इसका आंसर है, आप स्टेटमेंट्स में लिख सकते हो, मैंने फ्लो चार्ट में दिया है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, ट्राई टू सॉल्व द इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन पेज नंबर 6। ठीक है, और कई सारे बैलेंसिंग के एक्सरसाइज में भी दिए क्वेश्चन, उसको बैलेंस करना ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री फंडामेंटल्स वाला पूरा वीडियो जितना हो सके उतना ज्यादा देखें, सबकी वैलेंसी, कंपाउंड्स की भी वैलेंसी लर्न कर ले, राइट, तो ये सब कुछ बहुत इजी लगेगा। ठीक है, टुमरो वी विल सी अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स फॉर इट। थैंक यू।